हे दालोवीज हाव यू ऑल कैसी है मेरी लावीज आर्मी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो आप अंदर अंदर ही अंदर ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फ़ील हो रहे हैं और जो बदलाव मुझे अपनी लाइफ में देखने चाहिए मिलने चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है इफ़ यू आर सामवन जो ये फ़ील कर रहे हैं जो मैंने अभी बोला है तो ये रीडिंग्स आज आपके लिए होने वाली है ध्यान रखें रीडिंग्स जनरल है क्लेम जरूर करें पॉजिटिव रहेंगे तो एनर्जीज जरूर क्लेम कर पाएंगे और साथ ही साथ रीडिंग्स भी आपको रेजोनेट होगी कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर पे कॉल मैसेज ना करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है आप इस पर ही मैसेज करें और ये सारी फ्री रीडिंग्स को डेली बेसिस पे एंजॉय करें जो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे बहुत सारी रीडिंग्स रेमेडीज लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और देखते हैं डिवाइन का इंडिकेशन आपके लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो स्टक फील कर रहे हो तो अब आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है क्या कोई और बड़ा हर्डल है क्या और कोई बड़े बदलाव है क्या कोई और बहुत बड़े चेंजेस हैं होली का महीना होली का फेस्टिवल आ रहा है और साथ ही साथ फुल मून आ रहा है क्या चेंजेस हैं क्या ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हुए हैं कि नहीं कि अभी भी ये ब्लॉकेजेस चल रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान रखें अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हर हर एक वीडियो हर एक रीडिंग आप टेम कर पाएंगे आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख पाएंगे अपनी लाइफ में और इन्जॉय कर पाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स की लाइफ को लेके बताइए अगर ये ब्लॉकेजेस फ़ील कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है क्या चीज़ इनको स्टक कर रही है और साथ ही साथ रेमेडी भी बताऊंगी लेकिन वो रीडिंग्स के बाद बताऊंगी तो आप उसको अपना सकते हैं आप उसको कर सकते हैं चलिए डिवाइन व्यूअर्स को गाइड करें और ये जो ब्लॉकेजेस ये फ़ील कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं इसके लिए इनको क्या करना चाहिए ओके okay. पहला कार्ड ही आ गया है दैट इज टेम्परेंस ओके पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर एक एक करके हम समझेंगे एक कार्ड आ गया है वाओ दैट इज थ्री ऑफ कप्स डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे व्यूवर्स को गाइड करें मेरे व्यूवर्स को होली आ रही है होली पर हमें क्या रिचुअल करना है क्या चीज़ों का ध्यान करना है उसका वीडियो मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें सेवन ऑफ वॉन्ट्स का, का कार्ड है नेक्स्ट वी हैव सेवन ऑफ सोर्स का, का कार्ड है और एक लास्ट मैं निकालूंगी दैट इज द स्टार का कार्ड है बॉटम टेक भी देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वी हैव वाओ एस ऑफ कप्स का कार्ड है ओके सो सिक्स कार्ड्स यहाँ पर हमारे सामने हैं आई होप आप सब लोगों को दिख रहा होगा अब ध्यान से एक एक कार्ड को समझेंगे और बताएंगे कि आपकी लाइफ में आप क्या स्टक हैं क्या स्टक महसूस कर रहे हैं कार्ड सारे टेम्परेंस थ्री ऑफ कप्स सेवन ऑफ वॉन्ट्स सेवन ऑफ सोट्स द स्टार एस ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं आज मुझे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली सेवन का नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है सेवन फोर्टीन सेवेंटीन ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो अगर आप सेवन नंबर से रिलेटेड हैं तो ये रीडिंग्स तो ट्रूली आपकी तरफ जाती है कार्ड्स मुझे सेवन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं आप लोग की एनर्जीज़ को देखकर जो मैं पे फील कर पा रही हूँ दैट इज़ समवेयर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें चल रही हैं जो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में डील कर रहे हो लेकिन ये फेज़ आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपके लिए सब कुछ ना बिल्कुल अटक सा गया है अटक गया इन द सेंस हम सामने से इतने पॉजिटिव मैनर पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए चीज़ें सामने तो हैं हम सब कुछ देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लानिंग हमारी लाइफ में मिसिंग है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके हम प्रॉपर डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान दिख रहे हैं कुछ लोग अपने करियर मेंटल ट्रॉमा से तीन केसेस मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं लव रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं करियर मुझे बहुत दिख रहा है और रिलेशनशिप मतलब आसपास के लोग लोगों ने जो आपके साथ गलत करा है जो आपको हर्ट किया है वो चीज़ भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है लेकिन डिवाइन का इंडिकेशन ये बता रहा है कि जो सारी चीजें आप लोगों की लाइफ में पास्ट में हुई हैं वो बैटल्स अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं जिन रिलेशनशिप्स की वजह से आप हर्ट हुए हो जिन रिलेशनशिप्स ने आपको नेगेटिव करा है जो करियर में आपने चीज़ों को बिल्डअप करा है आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सिचुएशन यहाँ मैं सिर्फ एक लव रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस की बात कर रही हूँ आपकी लाइफ का एक हर्डल एक ऐसा फेज जहाँ पर आपने चीज़ों को अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा फील करा है बहुत ज़्यादा ट्रामाज को फील करा है ये ट्रामा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है आप अपनी लाइफ में थोड़ा सेल्फ केयर सेल्फ लव सेल्फ पर ज़्यादा फोकस करें एक न्यू होप एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके रिलेशनशिप्स की आपके लाइफ में न्यू चीज़ों की दिख रही है मतलब एक जो पास का एक फेस था जिसने हमें बहुत परेशानी दी है जिसने हमें बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा में गुजारा है या फसाया है जिसकी वजह से हम कभी भी चीज़ों को लेके खुश नहीं हो पाते हैं एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्रेयर्स में बहुत बिलीव करते हो और अब आपका क्लियर यू नो इंडिकेशन डिवाइन के ऊपर है डिवाइन आपके साथ है कितना पॉजिटिव कार्ड है कितनी ब्यूटिफुल पिक्चर है जो सी टू इट कि आपके पास आस पास अब कोई भी नहीं है आपने बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया था पास्ट में बहुत लोगों के साथ आपने अच्छा बेटरमेंट करने की कोशिश की थी बट पीपल ऑलवेज बिट्रे लोगों ने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गलत करा है आपने अपनी तरफ से ना बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपने अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत हंड्रेड परसेंट भी बनाने की कोशिश करी है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन इज़ रियली अनबैलेंस्ड सिचुएशन इज़ रियली अनफेवरेबल फॉर यू और आप बस एक ना शांतिपूर्वक बैठ गए हो और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो एक अच्छे फ़ेज़ का वेट कर रहे हो जिसका आपने बहुत समय से इंतजार करा है जिसका आपने बहुत समय से डिज़ायर किया है लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बात बताना चाहती हूँ डॉक्टर्स आपका कनेक्शन ये आप हो और ये डोरी देखो आपके साथ ब्रह्मांड की जुड़ी हुई है और ये पूरा ट्रस्ट ही आपका इनके ऊपर है और ये ट्रस्ट आपको एक उस फे उस फेज में लेकर जाने वाला है जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर किया है जिसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ में चाहा है कुछ सिनारी ऐसे भी बने हैं लाइफ में जहाँ पर आपको लगता था कि चीज़ें कभी मेरे फेवर में आएगी नहीं नहीं चीज़ों का मुझे कभी भी एक अच्छा आउटपुट मिलेगा ही नहीं लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड है जितना भी सैडनेस जितना भी अनहैप्पीनेस जितनी भी दुख वाली चीज़ें आपने फेस करी है उसमें आपकी जीत होगी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन आपको ये भी बता dear, कि आपके लिए बहुत हो अभी आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस जो आपने फेस करे हैं ये खत्म होने के यू नो फेस होने की you know, पर है। लेकिन मैं रीडिंग्स को देखकर आपको जो बातें बताना चाहती हूँ एक प्रॉपर प्लानिंग बनाऊ ठीक है जो भी चाहते हो जैसा भी चाहते हो प्लानिंग इज़ रियली मैंडेटरी फॉर यू बिकॉज आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो आप अनहैप्पीनेस फील कर रहे हो नंबर टू यू रियली डिज़ायर हैप्पी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ एक ना अच्छा सेलिब्रेशन एक अच्छी खुशियाँ आप डिज़ायर करो जो कि आपको मिलेगी भी वो भी आप देख लेना और अगर ऐसा लगता है कि नथिंग मेरे फेवर में कुछ भी नहीं आता मैं एट द एंड ऑफ द डे जीरो पर बैठ जाता हूँ या एट द एंड ऑफ द डे मेरे को कुछ मिल ही नहीं पाता मैंने मैंने कोशिश पूरी करी है लेकिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं तो क्या करना है रोज़ रात को सोने से पहले पाँच मिनट खुद के लिए निकालना अपने बेड पर बैठ जाना आप अपने बेड पर लेट सकते हो आईज़ क्लोज करना जिन भगवान की पूजा करते हो उनका ध्यान करना उन भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताना प्रॉब्लम क्या जो आप फेस कर रहे हो और प्रॉब्लम बताने के बाद बस यही बोलना आई एम सॉरी प्लीज़ फॉर गिव मी आई थैंक यू एंड आई लव यू आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जो सारी चीज़ें आपने मुझे दी है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल बस ये सेंटेंसेस को अपने मन ही मन में पाँच से दस मिनट दोहराया करो इससे जो भी ब्लॉकेजेस जो भी ट्रॉमा आपके माइंड में चलता है जो आप फील करते हो वो धीरे धीरे हील होगा और आप अपनी लाइफ में एक अच्छे जोन पर जाओगे याद रखना आपका रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा नहीं है लेकिन सिर्फ एक ही के साथ अच्छा है वो की है यूनिवर्स जो कि है डिवाइन और वही एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए सब कुछ फेवरेबल करेंगे और वो तभी करेंगे जब आप खुद में रेडी होंगे जब आप खुद से अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट लगाओगे ऑटोमेटिकली डिवाइन आपके लिए सब कुछ हंड्रेड परसेंट करना शुरू कर देगा सो so, ये कनेक्शन बहुत प्योर है ये कनेक्शन फॉर का है बाकी सारे रिलेशनशिप्स आपके क्यों ना टूट जाए ख़राब हो जाए लेकिन ये रिलेशनशिप हमेशा वर्क करेगा सो so, ये होप पोनो पोनो प्रेयर का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है बहुत सारे लोगों की इस प्रेयर ने हेल्प करी है नाउ यू आर द नेक्स्ट वन जिसकी हेल्प होने वाली है और जो बुरे से बुरे फेज़ में मैं तो कह रही हूँ कभी अपनी लाइफ में बुरे से बुरे फेज़ में हो खराब लग रहा है गंदा फील कर रहे हो ये सबसे जल्दी हेल्प करता है सो so, इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है राधे राधे